व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्ल्स लाइफ। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं पंजाब, तो अब अपन पूरे यार दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं, तो भाई टूर मारने लगे हैं मैक्लोडगंज का, हिमाचल प्रदेश। तो अभी बस तैयारी खींच रहे हैं और खाना पीना थोड़ा ले रहे हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी भाई रेडी हो चुके हैं। ये अपना भाई अक्षित कनाडा से, वो दुबई वाला कैसे गया? हेलो सर जी, गोली कटा खाने। वो दुबई वाला बैठा है, ये अपना इंडिया ओ, वो पीछे वकील साहब बैठे हैं। तो एक अपना वो गया हुआ है मैग्नेट, एक भाई अपना मैग्नेट है, उसकी स्टोरी बताएंगे मैग्नेट वाली बाद में। तो वो अभी सामान सुन लेने गया हुआ है, अलग से ब्लॉग आएगा। तो भाई बस अभी तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत ही एंजॉय होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वहाँ पे जाके मैग्नेट भी आ गया हमारा, अभी उससे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। अपना भाई मैग्नेट आ गया है, इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था हमने, अब आया सामान लेके। हेलो भैया, कैसे हो? ठीक हो आप? तो भाई अभी जस्ट घर से निकले थे, आधा घंटा हुआ है तो रास्ते में ही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 4 घंटे लग जाएंगे मैक्लोडगंज पहुंचते। तो दोपहर को पहुंच जाएंगे आराम से। तो फिर वहां पे जाके क्या प्लान है, क्या करना है अपन ने, वो सारा आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जर्नी को शुरू करते हैं आपके साथ और एंजॉय करते हैं। आप भी करिए, हम भी करेंगे। अभी पहाड़ी इलाका पूरा शुरू हो गया है यहाँ से, बिकॉज हिमाचल शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ की जो वादियाँ हैं हिमाचल की, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ पूरा कैमरा घुमा के। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता और है मैक्लोडगंज, जहाँ पे अपन ने जाना है वहाँ पे एक ब्रोट वैली है, वहाँ पे जाना है मेन। तो फिर उसके आगे जो भी प्लान होगा वो देखेंगे, बट क्या मतलब मस्त व्यू आने वाला है आगे आगे रास्ते में। और चलिए पूरा आपको व्यू दिखाते हैं। और ये भाई लोग पूरे मस्त हैं, एक्साइटेड है पूरा वहाँ पे पहुँचने के लिए भाई लोग। और ये हमारे दुबई रिटर्न बंटी पाजी, कुछ अपने बारे में बोलना चाहोगे? बस यही है कि बस सेवा की बस मीठे में। इस भाई ने ज्यादा इंसुलिन ले लिया और सेट हो चुका था। और ये पीछे मैग्नेट प्रो है, वो मैग्नेट प्रो है पीछे, वो थोड़ा ज्यादा सेट हो गया है। तो भाई ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, हरे भरे पहाड़, बट यहाँ पे बहुत ही यू नो हरियाली है पहाड़ों पे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। तो भाई ये लिखा है धर्मशाला 84 किलोमीटर। ठीक है भाई, जिधर लेना ले जाओ। वापिस अपन अमृतसर जाते पे हैं, और श्रीनगर है भाई 400 किलोमीटर है श्रीनगर यहाँ से। पहुंच चुके अपन पठानकोट, तो यहाँ पे काफी मशहूर दुकान है एक सोन पापड़ी की, तो वहीं रुके हैं और यहाँ पे लेने लगे हैं सोन पापड़ी वगैरह। तो आपको दिखाते हैं पूरा अंदर और क्या क्या लेने वाले हैं अपन। अरे इंडिया भाई ने क्या लिया है? सोन पापड़ी। भाई सोन पापड़ी बहुत टेस्टी है भाई, मजा मत छुए ये भाई, मजा छुए। तो यहाँ की ये पठानकोट की फेमस सोन पापड़ी ले ली अपन ने, सोन पापड़ी तो ले ली। अब सोन पापड़ी के साथ कुछ पीने के लिए ये अपना बंटी जा रहा है भाई, पीछे ठीका है भाई, तो कह रहा था गर्मी बहुत हो गई तो अभी बियर वगैरह ले रहा है। ले लेंदे यार बियर, ले लेंदे तेरा की जानदा पैदा यार वो है क्या को क्या करते है ये भाई। ये सुबह सुबह शुरू हो गए हैं बीरे पीनी, सवेरे सवेरे हो गए उस्ताद भाई। ऑफिस अपना, ये तो ऑफिस है अपना, कल्चर भाई यही है अपना, कल्चर यही है। ये देख लो सुबह सुबह शुरू हो गया, ये बेवड़ा भाई हमारा, ये बेवड़ा भाई है हमारा। और ये कह रहा बिना बियर लिए मैं जाऊंगा ही नहीं। सोन पापड़ी टेस्ट करते हैं कैसी है, और देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। जकास है इसको ज्यादा पता है क्योंकि ये लेता रहता है इधर आके। तो भाई सामने जो आप बिल्कुल पहाड़ियां देख रहे हो, देखो वहाँ पे पूरी बर्फ पड़ी हुई है भाई, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दूर से ही पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। तो यहाँ से बस शुरू हो गई है दिखनी, और आगे आगे देखना क्या नजारे आते हैं भाई। तो भाई बॉर्डर आ चुका है और ये है चक्की रिवर, जो कि आप देख सकते हैं इस साइड पे, और ये पूरी चक्की रिवर जो कि हिमाचल की शुरू हो जाती है भाई। तो यहाँ से हिमाचल की हद शुरू हो चुकी है और एंटर हो चुके हम हिमाचल के अंदर। अभी थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए रुके थे, तो आपको नज़ारा दिखाता हूँ क्या नज़ारा है भाई। तो एक्चुअली रोड बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो पूरा हाईवे वगैरह बन रहे इसलिए रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, तो धीरे धीरे आना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है।
बट नज़ारे भाई एक नंबर। तो अभी मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे, और नीचे नदी है, ऊपर सामने बिल्कुल बर्फीले पहाड़। तो चलिए फटाफट से कैमरा घुमाते हैं और आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस सामने देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने ऊपर, ये पूरे है बर्फीले पहाड़ और नीचे ये छोटी सी नदी बह रही है। अभी पानी काफ़ी कम है, बारिशें वगैरह होंगी तो पूरा यू नो नज़ारा देखने वाला होगा जब पूरा नदी भर जाएगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा एक ढाबा था तो वहीं पे रुके थे अपन, और भाई व्यू चेक करिए, वो सामने पहाड़ देखिए, बर्फीले पहाड़, वो तो काफ़ी दूर है। भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अराउंड 20-25 किलोमीटर रह चुका है, और तो बंदा हमारा अकेला अंदर बैठा, गालियाँ निकाल रहा होगा अंदर, अकेला बैठा। तो 20 किलोमीटर रह गए, बट टाइम बहुत लगने वाला है यार, बिकॉज रोड बहुत खराब है। जल्दी बैठो जल्दी, सैनी कि थे देखो कि बैठा। फाइनली बहुत टाइम बाद ब्रेकफास्ट करने लगे, तो फाइनली एक छोटा सा ढाबा मिल गया अपन को यहाँ पे। तो अभी फटाफट से यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, सीधा होटल रूम में जाएंगे, फिर आगे जो भी प्लान है देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले पेट पूजा करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। यहाँ पे रुके हैं, ये देखिए चंडीगढ़ ढाबा, छोटा सा एक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है बढ़िया सा खाने के लिए। छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप ढाबा बना हुआ है और सामने देखिए आप किचन है, तो वहीं पे खाना तैयार होगा अपना। तो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करा है भाइयों ने। तो अभी यहाँ पे सेटिंग करेंगे, तो देखते हैं, पहाड़ी फूड हिमाचल का बहुत ही टेस्टी होता है वैसे तो खाने में। तो अभी आएगा और आपको दिखाएंगे क्या क्या मंगवाया, की मंगवाया भैया, बहुत कुछ ऑर्डर किया हमने तो। हमने दाल फ्राई करी है, राजमा करे हैं, आलू गोभी करी है, हाफ चिकन किया है, और दो बंटे के लिए परौंठे भी करे हैं। आपने क्या खाना भैया, हम साथ में खा लेंगे आपके जो जो खाना है भैया। बहुत फन होने बाबू तेरा कहता कि ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਹੈ ਰਾਜਮਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਵੀ, ਦਾਲ ਦਾਲ ਭਾਈ, ਮਸਾਲਾ ਤੜਕਾ ਦਾਲ ਇਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ये आया अपना चिकन और आलू गोभी और राजमा, लुबिया बोलते हैं, लुबिया। बटर रोटी आ गई ताजी ताजी, गरम गरम, मजा आ गया देख के भाई, इतनी भूख लगी हुई ना, अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएगा खाना। चलो उठाओ डफो। तो भाई फाइनली अपन पहुंच तो चुके हैं मैक्लोडगंज। तो भाई रश इतना है, फुल पैक है, अभी जाम में खड़े हैं, 1.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से रह गया है मैक्लोडगंज, बट पूरा फुल पैक है। तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े हुए, तो बस वेट ही कर रहे हैं भाई, अभी पहुँचेंगे, देखते हैं और कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर कवर करने में। तो अभी पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ, और रश देखिए कितना हुआ पड़ा है यहाँ पे। एक्चुअली वीकेंड है ना, सैटरडे, कल संडे, तो इसलिए पंजाब से जो भी गाड़ियाँ आती हैं तो सैटरडे संडे यहीं आती है सारी, तो फुल पैक है भाई। तो ये व्यू चेक करिए भाई, ये सारी जो लाइन लगी हुई है, रोड छोटी सी है तो पूरी लाइन लगी हुई है, 1.5 किलोमीटर आगे मैक्लोडगंज है वहाँ तक, अभी मैंने गूगल मैप्स में देखा था, तो पूरा पैक है भाई। तो आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है भाई, वेदर इतना मस्त है ना। ये देखो भाई, ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब वन वे रोड है, तो ये भाई बंदा ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, ओवरटेक करके गाड़ियों को आगे आ रहा था, और आप देखो पूरी बैक ले जा रहा है पूरी, और इधर हमें भी फंसा दिया इस बंदे ने। वाह भाई वाह भाई, फाइनली बहुत ही यू नो मुश्किलों के बाद अपन फाइनली पहुंच चुके अपने होटल पे। तो गाड़ी पीछे अपन ने पार्किंग लगा दी है, तो ये जो होटल है हमारा, यहाँ पे रुके अपन अभी, तो सामान वगैरह उतार रहे हैं अभी सारा, तो फटाफट से सामान उतारेंगे और फ्रेश होंगे भाई, क्योंकि बहुत थक गए यार, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए पूरी, इतना रश रहना है भाई यहाँ पे,
बहुत ज्यादा। तो अभी फटाफट सामान ऊपर होटल रूम में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होंगे, फिर आराम से रिलैक्स करके निकलेंगे, पूरी मार्केट वगैरह घूमेंगे, क्लबिंग वगैरह करेंगे, फुल नज़ारे भाई। भाई ये है अपना होटल स्काईलार्क और कुछ ऐसा दिखता है। इस साइड से आए और ये पूरा मैक्लोडगंज है भाई। तो अभी आपको फुल नज़ारे दिखाएंगे यहाँ के। हाँ जी अक्षीत, हाउ यू फीलिंग मैन? टू मच ट्रैफिक भाई। तो भाई बालकनी में आके तो पूरी थकावट उतर गई। क्या फुल नज़ारे है भाई, इतना बढ़िया व्यू है। तो कैमरा तो घुमाते हैं और पूरा व्यू दिखाते हैं भाई, और सारा क्रेडिट जाता है अपने इंडिया वाले इंडिया भाई को। यो यो ब्रो इसी ने होटल ढूंढा ये लोकेशन पे। तो भाई व्यू चेक करिए यार, एक नंबर। यही है पहाड़ों के मजे। और ऊपर टॉप पे देखिए बर्फ पड़ी हुई है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है पहाड़। और ये पूरा व्यू चेक करिए। तो ये होटल की बालकनी है, उसके बाहर खड़े अपन बालकनी में। तो ये भी होटल वगैरह है, तो नीचे जाके है। वैसे ये मेन रोड पे था। अब सारे जाने आ गए हैं, तो अभी फ्रेश वगैरह होएंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर बस वादियों में खो जाएंगे। मतलब स्पेशल कपड़े ड्राई क्लीन हुए हैं मैक्लोडगंज जाने के लिए। अरे मामा जल्दी कर रहे भाई, मैं रेडी हां। देखो आ मेरे कपड़े, आ देख, आ देख लो सैनी। बांदर बन गई, बांदर ही बनने तैयार है भाई। तो भाई अपन फाइनली पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्राउड है और कितना रश है भाई यहाँ पे। और ये देखिए गाड़ियों का जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे है वन वे। और ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे आप रूफटॉप कैफेज और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं अच्छी अच्छी, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं भाई। मैक्लोडगंज के मार्केट में अपन घूम रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं क्लब। तो क्लब ढूंढ रहे हैं कहाँ है, है? हाँ ये चीज़ें सुबह देखेंगे अपन। हाँ ये चीज़ें क्या सुबह देखेंगे, अभी रात हो गया। सुबह तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और है जो अपन ने देखनी है पूरी यहाँ पे। अभी हर जगह रश ही रश है, देखिए एक्चुअली क्या स्पेस कम है और दुनिया ज़्यादा आई हुई है यहाँ पे। और वीकेंड है, इस चक्कर में हर जगह जहाँ भी आप जाओगे जाम ही मिलेगा आपको भाई। गाड़ियों पे गाड़ी चढ़ी हुई है यहाँ पे, और हर जगह वन वे। तो एक साइड क्लियर होती है तो दूसरी साइड स्टार्ट होती है फिर। और आप यहाँ के मार्केट का एंजॉय करिए। ये देखना इनके ड्रामे जरा। ओ दिस माय ब्रदर इज मैरिज 10 वीक भाभी। ओ या माय नेक्स्ट 25 डे 10 मूव रिंग रिंग सर। ओके ओए ओ बंदी भाई हो लास बड़ी स्टडी 10 10th class